सोशल मीडिया जितनी आपको जानकारी देता है उसके साथ साथ आपको अफवाह भी देता है। अब ऐसे में एक अफवाह देखी गई जो कि गलत है। यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली उसका माजरा रुबीना दिलेक को लेकर है, आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए, रुबीना दिलेक को चाहने वाले बहुत हैं। रुबीना दिलेक की अपनी खुद की आर्मी अगर कही जाए तो बहुत बड़ी है। ऐसे में हेटर्स भी हैं और हेटर्स जो है वो गलत चीजें जो है वो फैलाते हैं। कहीं ना कहीं यहीं पे एक बात बाहर आई कि रुबीना दिलेक को जो है वो बिग बॉस सीजन 14 हराया जाएगा। इनफैक्ट जो वोट्स आ रहे हैं रुबीना दिलेक के लिए वो कहीं ना कहीं मेकर्स जो है वो ट्विस्ट लेकर आएंगे और उनकी वोट्स जो है वो किसी और के खाते में डाल देंगे, एलिगोनी, राहुल वैदिक, किसी के भी खाते में डाल देंगे। अब जब ऐसी बातें सामने आने लगी तो कहीं ना कहीं रुबीना की जो फैंस है, जो जनता जो है, इस बात को लेकर टेंशन में आने लगी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो वोट्स भी करते तो कहीं ना कहीं उनके वोट जो है वो वेस्ट आने लगते हैं। वेल, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अभी तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। इनफैक्ट जो आप वोट कर रहे हैं उसके ट्रेंड्स भी आप लोगों को बताते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि आपकी वोटिंग जो है वो कितनी फायदेमंद है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वोट सेलेक्ट पर टॉप 2 फाइनलिस्ट के लिए 1 घंटे की लाइव वोटिंग भी होने वाली है, जो कि जो वोट्स आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होंगे उन वोट्स के अंदर ऐड हो जाएंगे और उसके बाद में बिग बॉस के सीजन 14 के विनर को अनाउंस किया जाएगा। सो गाइज, प्लीज, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि वोट ना करने से आप इससे बच सकते हैं तो नहीं, ये एक ऐसी अफवाह है। इस अफवाह पे बिल्कुल भी यकीन ना कीजिए और वोट करिए, जिसको भी आप करना चाहते हैं आप वोट कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बिग बॉस और बॉलीवुड की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।